इस बीच आपके रिकमेंडेशन क्या है अभिजीत, आप कौन से शेयर्स दे रहे हैं आज के लिए? वेल डिम्पी, दिस वीक मेरा ध्यान फार्मा स्टॉक्स पे है. ये सेक्टर उतनी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया रिसेंटली, बट आई सेंस कि बेस बिल्डिंग हो चुका है काफ़ी एक स्टॉक्स में. अजंता फार्मा लास्ट वीक एक अच्छा मूव दिया था, एंड देयर इज हाई चांस कि दिस वीक ये मूव एक्सटेंड होते हुए दिखे. ऑरो फार्मा इज ऑल्सो हैज गिवन अ टू टू थ्री डे काइंड ऑफ मूव एंड कैन एक्सटेंड फर्दर. सिप्ला इज ऑल्सो होल्डिंग वेल, प्रॉबली द फार्मा स्पेस नॉट अक्रॉस द बोर्ड, बट कुछ यू नो सिलेक्टेड स्टॉक्स है जिसमें मूवमेंट हो सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, अ कपल ऑफ स्टॉक्स फ्रॉम द बैंकिंग आई एम लुकिंग क्लोजली एट एक्सिस बैंक. आई थिंक एक शॉर्ट टर्म मूव के बाद एक रेंज बाउंड मूवमेंट है, उसका ब्रेकआउट आना अभी आई थिंक इट्स राइप फॉर अ ब्रेकआउट. एंड द अदर वन इज JSW एनर्जी. FMCG सेक्टर भी बस कर सकता है क्योंकि HUL की पेरेंट कंपनी यूनिलिवर कंपनी की चुनिंदा फूड ब्रांड्स बेचने की योजना है, और जो फ्रूट ब्रांड्स बेचे जाएंगे ये लगभग 6 बिलियन पाउंड ये क्वांटम रखा गया है. तो एक बड़ी जो है ये अनाउंसमेंट यूनिलिवर के स्टेबल से आ सकती है. HUL कहीं ना कहीं आज फोकस में रहेगा. और इसके अलावा मैरिको बियर्डो ब्रांड का अधिग्रहण 45% हिस्सा खरीदा है इस पर्टिकुलर कंपनी में, और ये बता दूं मेंस ग्रूमिंग ब्रांड है बियर्डो. तो कहीं ना कहीं ये जो स्टॉक है ये फोकस में रहेगा. मैरिको पिछले कुछ सत्रों से निचले सत्रों से कुछ एक्यूमुलेट होता हुआ नजर आया था. गौरांग, आपके रडार पर है क्या FMCG कंपनियां, क्या आप रिटर्न्स देंगी? ITC पिछले सत्र में काफी स्ट्रांगली गेन कर रहा था, मैरिको HUL इन पे आपके कमेंट्स? तो FMCG क्षेत्र पर ITC और HUL को छोड़ करके जो कि दो दिग्गज कंपनियां हैं जो कि हमारी कवरेज में शामिल है, मिड कैप कंजम्पशन थीम अगर आप पसंद करते हैं तो जिस कंपनी का आप जिक्र कर रहे हैं, मैरिको, डाबर, इमामी, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, गोदरेज इंडस्ट्रीज, इसके साथ अगर कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और कंज्यूमर ड्यूरेबल की भी अगर हम बात करें तो एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, बाटा, वोल्टास, ब्लू स्टार, सिम्फनी, वर्लपूल, ये सभी कंपनियों पर हमें लग रहा है कि आने वाले सिर्फ ये तिमाही की जो आखिरी तिमाही के नतीजे होंगे वो ही नहीं, लेकिन आने वाले जो वित्तीय साल के नतीजे होंगे वो भी काफ़ी शानदार होंगे, और मुझे लग रहा है एक बेहतरीन रीरेटिंग ऊपर की तरफ हो सकती है इन सब कंपनियों की. ठीक है, रीरेटिंग की भी संभावना है. गौरांग ने एक और पॉइंट बताया जो कि इस पर्टिकुलर स्पेस में और बस दे सकता है, लेकिन ब्रोकरेज हाउसेज इस समय क्या समझते हैं और उनका आउटलुक क्या है, एक बार संदीप से जान लेते हैं. बताएं संदीप आप. शुक्रिया डिम्पी. सबसे पहला कॉल है अदानी पोर्ट्स के ऊपर, CLSA की ओर से बाय कॉल उन्होंने मेंटेन किया है, टारगेट प्राइस को इंक्रीज किया है, 375 से बढ़ाकर 390 रुपये किया है. उनका ये कहना है कि जिस तरह से मार्केट शेयर में इजाफा हो रहा है लगातार, उससे इस कंपनी की ग्रोथ ड्राइव होगी, और वैसे भी कार्गो सेगमेंट ये ज़्यादा प्रॉफिट ड्राइव करता है और यहाँ पे कंपनी का ज़्यादा फोकस है, तो इससे भी कहीं ना कहीं बिजनेस को सहारा देखने को मिलेगा. दूसरा कॉल है येस बैंक की ओर से, बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की ओर से बाय कॉल. यहाँ भी उन्होंने मेंटेन किया है और अपनी जो टारगेट प्राइस है उसे इंक्रीज़ किया है. पहले टारगेट प्राइस था 1600 रुपये, अब उसे बढ़ाकर 1820 रुपये किया है, और पूरे बैंकिंग सेक्टर में येस बैंक को वो अपने टॉपिक के तौर पर बता रहे हैं. तीसरा जो रिपोर्ट आई है वो CLSA की रिपोर्ट आई पूरे ऑटो एंसिलरी स्पेस के ऊपर. उनका कहना है कि बीते 3 सालों में ऑटो एंसिलरी शेयरों में काफ़ी अच्छे जो गेंस हैं वो देखने को मिले हैं, लेकिन हाँ कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि अलग अलग पी मल्टीपल्स पर अवेलेबल हैं. बॉस जैसे स्टॉक्स देखिए 38 के पी पर है, अपोलो टायर 9 के पी पर है. हालांकि उनका ये कहना है कि टायर स्पेस की जहां तक बात है तो जिस तरह से कंपटीशन बढ़ रहा है और लो प्राइसिंग पावर इनके पास, वैल्यूएशन कम होने चाहिए, लेकिन हाँ सेक्टर की बाकी कंपनी मुकाबले अगर आप पी मल्टीपल वाइज कंपेयर करें तो हो सकता है कि टायर शेयरों की रीरेटिंग की संभावना भी यहां से नजर आती है. चौथा कॉल आया है JP Morgan की ओर से गेल के ऊपर. अंडरवेट रेटिंग उन्होंने बरकरार रखी है, 410 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है. उनका यह कहना है कि मौजूदा लेवल से उनको मुनाफे में कोई बहुत बड़ी तेज़ी या तो फिर ग्रोथ की गुंजाइश नज़र नहीं आती. अगर मुनाफा बढ़ना है तो जो स्पॉट LNG के प्राइजेस हैं वो $5 पर दोबारा गिर कर आने चाहिए, तभी इनका जो मुनाफा है उसमें एक मीनिंगफुल अपसाइड देखने को मिलेगी, जिस वजह से वो अंडरवेट मेंटेन कर रहे हैं. और इसी तरह से CLSA सेल कॉल थी उनकी, उसको मेंटेन कर रहे हैं, 326 रुपये का टारगेट प्राइस दे रहे हैं. उनका यह कहना है कि मौजूदा स्तर पर जो वैल्यूएशंस हैं वो उनको सस्टेनेबल नज़र नहीं आते, और वैसे भी उनका कहना है कि इनका जो US में LNG कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वहाँ पे काफ़ी बड़े रिस्क हैं जिसको शेयर ने अभी तक डिस्काउंट नहीं किया है, जिस वजह से वो इस स्टॉक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हैं. तो दो ब्रोकर्स हैं जो कि गेल के ऊपर काफ़ी नेगेटिव साउंड कर रहे हैं, और इसके अलावा येस बैंक पे पॉजिटिव रिपोर्ट्स हैं, अदानी पोर्ट्स के ऊपर पॉजिटिव रिपोर्ट्स हैं, और टायर स्टॉक्स की CLSA मानता है कि रीरेटिंग की संभावना बनती है. टायर पे तो आज खबर भी है, उसका भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट होगा आज के ट्रेड में. बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अलग अलग ब्रोकिंग हाउसेज के रिकमेंडेशन बताने के लिए. एक स्पेस फिर से बस कर रहा है वो है NBFCs, और इनफैक्ट हाउसिंग फाइनेंस और साथ साथ ऑटो फाइनेंस कंपनियां जो है वहां पर काफी स्ट्रांगली ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है. आज खबर भी है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने NCD के जरिए 6000 करोड़ जुटाए हैं. विकास, हाउसिंग फाइनेंस या फिर ऑटो फाइनेंस कंपनियां, क्या आपको लगता है यहां से कोई स्टॉक खरीदने लायक है?
बिल्कुल रजत, ये जो पूरा हाउसिंग फाइनेंस स्पेस है ये काफ़ी पहले से ही मैं रिकमेंड करते आ रहा हूँ। बिल्कुल ये लंबे अवधि के लिए बहुत ही अच्छे नज़र आते हैं। जिस तरह से सरकार का एक अफोर्डेबल हाउसिंग या हाउसिंग पे जो फोकस है उसका एक मेजर बेनिफिशियरी पूरा हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर रहेगा, खास करके वो कंपनियाँ जो अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट को कैटर करती हैं। तो यहाँ पर मेरी जो पसंद है वैल्यूएशंस के लिहाज से, मुझे DHFL अभी भी जो पिछले कुछ दिनों में रनअप के बावजूद भी मुझे अच्छा लगता है। इवन इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में भी एक अच्छी तेजी यहाँ से और बन सकती है। सो दीज आर द टू स्टॉक्स विच आई लाइक। और इसके अलावा जो आपने NBFCs का भी नाम लिया, तो वहाँ पे भी L&T फाइनेंस है, M&M फाइनेंस है, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस है। तो इस तरह की जो कंपनियाँ हैं इन पर बिल्कुल नज़र रखनी चाहिए। कोई भी गिरावट में लंबी अवधि के लिहाज से बोथ हाउसिंग फाइनेंस और NBFC दोनों ही सेक्टर की अच्छी कंपनियों को बिल्कुल खरीदारी करना चाहिए। बिल्कुल, पिछले हफ्ते का स्टार परफॉर्मर था ड्रेजिंग कॉर्प, उसका सर्किट रिवाइज हुआ है। अब ये 20% की बजाय अब 10% पे ही लॉक हो जाएगा, क्योंकि अनइवन मूव हमने देखा पिछले हफ्ते के अंदर आते हुए देखा था ड्रेजिंग कॉर्प पे। आपके रिकमेंडेशन क्या है जय? ये काफ़ी चला है, अब सर्किट भी रिवाइज कर दिया, 10% पे अभी लॉक हो जाया करेगा। आपके रिकमेंडेशन क्या इस पर? एक बार प्रॉफिट बुक कर लें क्या अब इसमें, जिनके पास पहले से होल्डिंग है? वेल, ओवरऑल डिम्पी, इसने यू नो उसके 2014 के हाइज इनफैक्ट ये पूरे राइज में निकाल दिए हैं, विच इज़ लाइक क्वाइट गुड। जो हिसाब से ये स्टॉक काफ़ी समय से कंसोलिडेट कर रहा था डिम्पी, बट देन आई स्टिल बिलीव दैट इसके अभी भी अपसाइड टारगेट पेंडिंग है, एंड दैट कम्स टू अराउंड 794। तो पोजिशनल ट्रेडर्स अगर कोई हो एंड वन हु वुड लाइक टू स्टिल कंटिन्यू विद द स्टॉक, आई थिंक दे कैन। ऑन द लोअर साइड इसका एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है समवेयर अराउंड से 560 के आसपास, थोड़ा नीचे है। तो आई थिंक शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जिसे क्विक रिटर्न्स या मोमेंटम प्ले करते हैं उन्हें तो डेफिनेटली कर लेना चाहिए प्रॉफिट बुक, बिकॉज चार्ट्स पर अपर बोलिंगर बैंड पे काफ़ी स्ट्रेच हो चुका है ये स्टॉक, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से देखने मिल सकता है। बट करीबन 560-570 के आसपास एक अच्छी सपोर्ट रेंज है। गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक पोजिशनल ट्रेडर्स जिसे यू नो कायम रखना है अपनी लॉन्ग पोजिशन या बाई पोजिशन ऑन दी अपसाइड, आई थिंक 794 तक की जगह ये स्टॉक में बन चुकी है। समवन वांट्स टू कंटिन्यू टू होल्ड ऑन दे कैन। नीचे में अगर डिप्स में अगर खरीद करना है तो भी करके चल सकते हैं, अभी भी टारगेट्स काफ़ी पेंडिंग है ऑन द अपसाइड। अभिजीत, देना बैंक को भी 600 करोड़ रुपये सरकार इन्फ्यूज़ कर रही है, यूनाइटेड बैंक को भी हमने देखा था इन्फ्यूजन आया था तो काफ़ी सडन स्पाइक के साथ ऊपर चला गया था। ये 8,000 करोड़ सरकार को इन्फ्यूज़ करना है, देना बैंक में 600 करोड़ रुपये मिलने वाला, आज हो सकता है गैप के साथ खुले, उसके बाद क्या करें? ये गैप के साथ तो खुलना ऑलमोस्ट तय दिख रहा है इसका। डिम्पी, देना बैंक एक शॉर्ट टर्म करेक्शन के बाद 36-37 का जो रेंज है सपोर्ट होल्ड कर रहा है। अगर वी सी अ प्रीटी रीसेंट गैप अप, अगर वो सस्टेन करता है देन दी यू नो फ्रॉम एन इम्पॉर्टेंट लेवल पॉइंट ऑफ व्यू जो 38-39 का जोन है उसके ऊपर सस्टेन करता है तो इसके मीडियम चार्ट्स इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाते हैं, विच मीन्स दैट हायर अपसाइज ओपन अप। मल्टीपल टाइम्स हम लोग ने देखा है दैट देना बैंक फेल्स टू टेक आउट दैट 41-43 का जोन। इट हैड ट्राइड टू 2016 ट्वाइस एंड 2017 वंस इन द मंथ ऑफ फेब। सो 41-43 का जो इंटरमीडिएट लेवल आता है दैट इज़ वेरी क्रिटिकल। सो यू नो सो दीज आर द टू लेवल्स वन शुड लुक फॉर इन केस। अगर यू नो कीपिंग इन माइंड अगर हम लोग 2-3 हफ्ता देते हैं, अगर 43 भी टेस्ट करके ऊपर सस्टेन करता है प्रॉब्ली इट कैन टेक अ लिटिल मोर टाइम दैन दैट, देन इसके जो लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड ट्रेंडिंग नेचर है वो रिवर्सल के तरफ हिंट करते हैं, विच मीन्स के फ्रॉम अ स्लाइटली लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू देना बैंक को वॉच लिस्ट में रखना चाहिए, एंड इफ़ यू हैव इट देन वन कैन लुक टू बाई ऑन डिप्स फॉर फर्दर ऑन। बट फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू 38 इज द जोन दैट इट हैज़ टू टेक आउट एंड अबव दैट 41-43। गौरांग, ऑटो में क्या निवेश करने की सलाह होगी? अगर हाँ तो फिर एक ऑटो कंपनी बता दीजिए और एक ऑटो एंसिल से जुड़ा स्टॉक जो रेडार पर रहेगा। तो हाल ही में नतीजों के बाद जो बुरी परिस्थिति हुई और मेरे ख्याल से करीबन आधा या दर्जन डाउनग्रेड हमने देखे टाटा मोटर्स के ऊपर, ये महज छोटी मध्यम अवधि की नकारात्मक परिस्थिति है। टाटा मोटर्स शेयर्स और DVR पर हमारी निवेश की राय बरकरार है और ये तब भी बरकरार थी जब ब्रेग्जिट हुआ था, तब भी बरकरार थी जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप चुन करके आए और कुछ बॉर्डर टैक्स को लेकर के चिंता हुई, और तब भी बरकरार थी जब चाइना में स्लोडाउन हुआ था। टाटा मोटर्स शेयर DVR पसंद कर सकते हैं आप, और ऑटो एंसिलरी में हमने पिछले हफ्ते ही एक कंपनी पर बाय रिकमेंडेशन निकाली और आप ही के चैनल पर हमने ये कंपनी करीबन 145 पर कवायद की थी निवेश करने के लिए 185 के टारगेट। आज या मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते 202 का बंद आया था इस कंपनी पर, बैंक ऑफ प्रोडक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ। रिवाइज टारगेट ऊपर की तरफ 235 का है। ठीक है।